एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक हंट। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा, और राजमा थोड़े मोस्ट सबके फेवरेट रहते हैं, राइट। सो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ रेसिपी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्टकट तरीके से बनाऊँ ताकि वो जल्दी से बन जाए। तो शेयर करती हूँ आपके साथ रेसिपी, होप आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, तो ये है राजमा जो कि हम नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं। ये रेड राजमा है, आप नॉर्मल जो राजमा दूसरे रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो राजमा को सबसे पहले मैंने रात भर भिगो कर रखा था, अच्छे से पहले वॉश किए थे और फिर उसके बाद भिगोया था, क्योंकि वो जो भीगा हुआ पानी रहता है जिसमें रात भर राजमा भिगोए रहते हैं, उस पानी को मैं यूज़ करूँगी। तो वो पानी मैंने अलग से निकाल कर रख लिया, और जो राजमा भिगे हुए थे रात भर उसको मैं प्रेशर कुक करूँगी। ओके, तो राजमा को प्रेशर कुक करते वक्त मैंने राजमा और पानी के साथ कुछ खड़े मसाले भी यूज़ किए हैं, जैसे कि मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सिनेमन जो जिसे कि हम कहते हैं दालचीनी का टुकड़ा, और नमक। ये डाल के मैंने करीबन 6 से 7 विसल लगवाए हैं इसे। तो चलिए, जब तक हमारे राजमा प्रेशर कुकर में है तब तक हम इसका मसाला जल्दी से रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, जो फ्रेश धनिया है, उसको धोकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है जल्दी से। तो चलिए अब प्याज का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने अपनी राजमा के अकॉर्डिंग एक बड़ा प्याज डाल लिया है, लहसुन की 2-3 कलियां डाल ली हैं, और अदरक डाल लिया है। तो सूखे मसालों में है जीरा, हींग पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और हल्दी अगर आप यूज़ करते हैं तो। मैं बहुत ही थोड़ी सी यूज़ करती हूँ राजमा में। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं घर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है जीरा और हींग। पहले हम इसको जीरा को थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। जब ये जीरा भून जाएगा तो इसमें मैं जो प्याज का मसाला था वो डाल दूँगी। देखिए, हमारा जो मसाला है वो पक गया है, जो प्याज हैं वो थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी जो टमाटर का हमने पेस्ट रेडी किया हुआ था। तो अभी टमाटर का पेस्ट डाल के इसको हम अच्छे से पकाएंगे, मसाला जो है वो हम अच्छे से भूनेंगे। और जो भी हमने सूखे मसाले रखे थे साइड में वो हम सब डाल देंगे। जो मसाला है वो अच्छे से रेडी है। अभी हम राजमा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, राजमा हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो हमारा मसाला भी रेडी है, राजमा भी रेडी है। तो अभी मैं राजमा को मसाले में मिक्स कर दूंगी। अभी हम इसमें से जितने भी खड़े मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे, और जो हमने भिगे हुए राजमा का पानी बचा कर रखा था उसको हम राजमा मिक्स कर देंगे, जितनी भी हमें थिकनेस चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो मैं 10 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, राजमा का कलर भी चेंज हो गया है। तो इस स्टेज में आप राजमा में चेक कर सकते हैं नमक, और अगर आपको कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी थोड़ी डालेंगे, और थोड़ा मैं किचन किंग ऐड करूँगी एंड में, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और उभर कर आएगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारे राजमा बिल्कुल रेडी हैं। अब एंड में मैं इसमें थोड़ा देसी घी 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ कर दी है जब मैंने एंड में किचन किंग ऐड किया। तो अभी मैं इसमें घी डाल दिया है, और ये डाल के अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो हमारे राजमा बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी।